मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 7 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें सभी प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव से राज्य के करीब 184,142 कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत अति गरीब महिलाओं और परिवारों को 3 गैस सिलेंडर हर साल मुफ्त देने की घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 7 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें सभी प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि विधायी और संसदीय विभाग के 17 आसन को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव पर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि गन्ना चीनी विभाग मूल्य भुगतान के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही कृत्रिम गर्भाधान करने वाले कर्मचारियों को पूर्व की भांति बजट दिया जाएगा। साथ ही पशुपालन विभाग में पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति पशु 50 रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 40 रुपए प्रति पशु धन मिलेगा। साथ ही जरूरी खबर यह भी है कि कैबिनेट ने केदारनाथ में पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल बनाने को मंजूरी दे दी है।